हमें 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 उमर ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, काफी देर से खामोश बैठे हैं। उमर, हाफिज साहब ने जिस तरह कहा कि कोई शक नहीं है पाकिस्तान अगर सुपर एट में जाता है, सेमीफाइनल्स में चला जाता है, आप होपफुल हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स या सुपर एट क्वालिफाई कर जाएगा, चला जाएगा वहां तक? देखिए, द काइंड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है तो अभी तक तो लग नहीं रहा, लेकिन अगर अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली हम पहल करेंगे कि उनको बैक करें, लेकिन अभी क्योंकि नहीं तगड़ा एक उन्होंने डिस्प्ले दिखाया हर डिपार्टमेंट में, विद द एक्सेप्शन ऑफ बॉलिंग जो कल जिस तरह उन्होंने की है, जो बात है वो हमने मानी है कि बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग की है, हर बॉलर ने अपनी फाइट की है और नसीम शाह ने जिस तरह एफर्ट किया है वो आपके सामने है, और जिस तरह से वो जज्बाती हो गए वो पता चल रहा था कि ही फेल्ट डैट। तो लेकिन अभी पाकिस्तान को वो मेटल प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे? वो क्या चांसेस हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो डिजर्व नहीं करती पाकिस्तान की टीम के अगले राउंड में पहुंचे, यू नेवर नो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती है कनाडा के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी इफ एंड बट्स की बात होगी, तो अभी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। बहरहाल कैंपेन अपनी खत्म करनी है, लेकिन उसके बाद आगे का सोचना है, और जहाँ तक ये सर्जरी की बात है, ये सर्जरी नहीं पूरे सिस्टम की मतलब जो है, मुझे लगता है सर्जरी होनी चाहिए। अगर तो माइक्रो लेवल पे सर्जरी होगी तो फायदा नहीं है, मैक्रो लेवल पे सर्जरी होगी और ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रोसेस का ही एक चेन चल रही है, रोटेशन पॉलिसी है, सो चीजें जो सफर किया है, सफर किसने किया है? क्रिकेट पाकिस्तान ने सफर किया है। बिल्कुल, पीएसएल को आप ब्रांड बनाते हो तो एक तरीके से ब्रांड बनाते हैं आप। हाँ। आप इस तरह नहीं कि बस पीएसएल को करते हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पीएसएल से ज्यादा प्रीमियम टूर्नामेंट होता है, तो उसको कोई जो है प्रायोरिटी दे नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हम किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा है। कमिंग बैक टू यू कादिर, कल नसीम शाह जब रोते हुए वहां से निकले, क्या आपकी उसके बाद मुलाकात हुई उनसे? नसीम शाह इज ही फाइन राइट नाउ, या अभी तक उनके ऊपर वो असर है उस चीज का जो हार, क्योंकि बिकॉज ही वॉज देयर एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेक हिज बेस्ट? देखिए मीरब, जब आपको शिकस्त होती है और वो भी इंडिया से, और आप इस तरह की गेम हो जिसपे आपको लग रहा हो कि पहली बॉल से कि यार 120 रन हैं और 120 गेंदें ही होती हैं टी20 में, उस टाइम आपकी अप्रोच जो होती है वो एक पॉजिटिव जानी चाहिए, ना कि आप डरपोक एक तरीके से खेलें। आप जो है वो माजरत के साथ, हमारे कप्तान का जो ये सिस्टम है कप्तानी का और जो उनकी अप्रोच है वो डरपोक किस्म के है, थोड़ी सी अग्रेसिव पन उनको आनी चाहिए। हम पहले भी ये कहते रहे कि उनको अग्रेसिव सोचना चाहिए, लेकिन आप चूंकि पानी सर से गुजर चुका है, नसीम शाह समेत आप दिगर जितने भी लड़कों से मेरी बात हुई है सबके मोरल डाउन है, सब लेट डाउन हुए हुए हैं, और बिल्कुल परेशानी तो उन बॉलर्स को खास तौर पर होनी चाहिए जिन्होंने जान लगाई है। हारिस रऊफ को 3 चौके एक साथ पड़े ऋषभ पंत से, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। आप देखे शाहीन ने कम बैक किया, शाहीन की तगड़ी बॉलिंग, आमिर ने, आमिर के बारे में जो लोग कहते रहे हैं, जो उनके खिलाफ भी थे, जो उनके नाकिब थे, जो उनको कहते थे कि आमिर इतना जरूरी हो गया कि उसको रिटायरमेंट वापस करवा के और आप इसको टी20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं, तो बड़े मैच का बड़ा बॉलर तब आपको पता लगता है कि कौन होता है। उसने जिस तरह की सेंस से, जिस तरह की बॉलिंग की, एक ओवर में 3 कैच उसके, 3 चांस मिले ऋषभ पंत को, तो ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो इस तरह की चीजें जो है वो करवा सके। और दूसरी चीज है कि आप देखिए जो हमारे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, आमिर हैं, शाहीन चावरीदी हैं, उन्होंने अपना 200% दिया है, 100% भी नहीं दिया, 200% दिया है, इस तरह के कैचेस ड्रॉप होने से भी, मिस फील्डिंग से भी, और उसके बावजूद 120 रन तक महदूद किया। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अपना 200% देंगी और उसके बाद आपको वो अचीवमेंट हासिल ना हो, आपको सक्सेस हासिल ना हो, तो फिर आपका मोराल कैसा होगा? आपका भी दिल करेगा कि यार मैं किसी से बात ही ना करूं, मैं कहीं जाऊं ही ना। तो इसलिए प्लेयर जो है वो अपने कमरों तक महदूद है, लेकिन हमारे कप्तान जो थे वो मैच से पहले भी बारबेक्यू पार्टी पे गए थे, उसके बाद भी सुनने में आया कि उनको बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हैं और बाहर लोगों के साथ खाने पीने गए हैं। तो इस चीजों को हम पागल हैं, हमारी आवाम पागल है जो इस तरह अपने ऊपर सवार करके बैठ जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग, चले जाते हैं और अपने आप को जो है वो अपने अपनी लाइफ को एंजॉय करने की बजाय इनका सोच रहे होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने काम धंधे पर फोकस करें, इनका जो है इनके मैच तक महदूद रखें। आप देखें न्यूयॉर्क में खास तौर पर जो न्यूयॉर्क स्टेट है उसके इतराफ के जो इलाके हैं, जो मजाफात के इलाके हैं, वहां से लोग तकरीबन 90 मील जो है वो सफर करके तो यहाँ पर अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर स्टेडियम में आए। नासो काउंटी जो है वो शहर से बिल्कुल दूसरी साइड पर है और वहां पर लोग मैच देखने गए, वहां पर लोगों ने सपोर्ट किया। आप देखें कि जो अगर तकरीबन 34,000 जो शाइकी ने क्रिकेट है उनके बैठने की जो जगह होती है, तो कम से कम 30,000 जो आप देख लें कि वो कम से कम होगा भारतीय शहरी,
ब्लू शर्ट्स हमेशा नजर आ रही थी, चाहे दुबई हो या इधर हो, लेकिन हमें उन बंदों की हौसले की दाद देनी चाहिए जो 4 से 5 हजार पाकिस्तानी जो शायकीने क्रिकेट है वो यहाँ से अपना काम धंधा छोड़ कर गए और पूरी दुनिया से भी लोग ट्रेवल कर आए। मेरे दोस्त जो है वो कराची से आए, दुबई से आए, मुख्तलिफ जगह से आए, कनाडा से लोग फ्लाई करके यहाँ पर 14-14 घंटे की बल्कि ड्राइव करके भी यहाँ पर आए और मैच देखने आए। आगे से उनको ये सिस्टम मिले, आगे से आप लोग ये अप्रोच दिखाएं कि आप लोग जो है वो एक अनफिट प्लेयर को जिसने 16 दिनों से बैटिंग की प्रैक्टिस भी ना की हो, और बाबर आजम और हेड कोच जो है हमारे गैरी क्रिस्टन साहब माशाल्लाह, वो इमाद वसीम को शादाब खान से ऊपर भेज दें, नसीम शाह से ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को भेज दें। नसीम शाह एक हिटिंग करता है, आपको पता है कि प्रॉपर हिटर है, आपको वो मारता है, एग्रेसिव अप्रोच है, आप उसको भेजो ऊपर। आपने इफ्तिखार को नीचे भेजा, आप शादाब को जो है ऊपर भेजते, आप इमान की जगह ऊपर भेजते, आपने शादाब को आगे पीछे जो है वो आप उसको शादाब को ऊपर भेज देते हैं। ये वही वाला गलत डिसीजन है जो हमेशा नवाज की दफा होता था जब बाबर आजम हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं? हाफिज साहब आप कॉल पर ही हैं? जी जी मीरब। हाफिज साहब जिस तरह कादिर बता रहे हैं कि आज प्लेयर्स मतलब पहले तो काफ़ी परेशान थे, उसके बाद फिर गए हैं बाहर, मतलब अपना डे उन्होंने स्पेंड किया। कल पाकिस्तान का कनाडा के साथ मैच है और प्रैक्टिस अभी भी कोई खास नहीं है, कल का दिन शायद प्रैक्टिस करें, कादिर इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। ये जो हार है पहले USA के साथ उसके बाद इंडिया के साथ, कनाडा के मैच में भी अगर असरअंदाज होती है, पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर पाता, तो हम क्या करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? कोई बात नहीं, बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, गुज़िश्ता 4 साल से लोग खुश हैं, वो ICC की रैंकिंग में ऊपर हैं, वो कप्तान हैं, वो किंग हैं, वो बाबर आजम दुनिया के सबसे बड़े कप्तान हैं, वो बाबर आजम ही की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट गुज़िश्ता 4 बरस से चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? लोग खुश हो जाएंगे, वो ICC की रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे, वो 4000 रन बना लेंगे, लोग खुश हो जाएंगे, विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे, लोग खुश हो जाएंगे, वो किसी एड में आ जाएंगे, तो बात ठीक है, चलती रहेगी, इसे चल नहीं रही पहले से, ऐसी चल रही है ना, और कैसे से चल रही है। अच्छा वैसे तो जो बोया है वो काट है। मंसूर अली खान साहब ने तो कहा है कि वो तमाम चीजें भी बंद कर दें जहां पर क्रिकेटर्स फीचर होते हैं, उनकी अपना ख्याल है, उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। कादिर प्रैक्टिस के हवाले से क्या सूरत हाल है पाकिस्तान टीम आज? तो डेफिनेटली कोई प्रैक्टिस का इरादा मुझे नहीं लगता कि होगा, कल के दिन की क्या किस टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जरूरी है मैच के बाद एकदम से गैप, और फिर उसके बाद अब आपको अगले दिन फिर से मैच खेलना है एक बड़ा दचका, तो क्या मूवमेंट होगी टीम की? देखें आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ने एलानिया जारी किया, उसने कहा है कि कोई प्रैक्टिस शेड्यूल नहीं है और कोई खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में नहीं जा रहा, क्योंकि आज जो है वो मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के साथ और नासाउ काउंटी स्टेडियम में, अलबत्ता दूसरा जो कैंटियाग पार्क है वहां पर एक फर्द जो है उसने एक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से प्लेयर या उनका जो टीम मैनेजमेंट का स्टाफ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसलिए अभी कोई प्रैक्टिस शेड्यूल नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रैक्टिस का शेड्यूल हमारे सामने नहीं आया। कल जो है उसका मैच है तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिस करेगा, तमाम खिलाड़ी जो है वो रेस्ट करेंगे और इतने दिल बर्दाश्त हुए हैं कि वो प्रैक्टिस के लिए भी जा रहे हैं, हालांकि आज इनको प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए था। आपकी प्रैक्टिस जितनी होती है आप उतना करते हैं। आजम खान हमने देखा गुज़श्ता रोज उनको यहाँ पर टाइम स्क्वेयर में हमने खुद देखा, वहां पर बर्गर खा रहे थे और मुख्तलिफ प्लेयर्स भी जो है वो हमें घूमते फिरते दिखाई देते हैं, तो बस ठीक है, उनको अगर ज़हनी सुकून चाहिए प्रैक्टिस की नस्बत, हालांकि उनका प्रोफेशन है तो तमाम खिलाड़ियों को अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होना चाहिए और वहां पर बाकायदा तौर पर आज उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अभी जो है वो आप देखें कि यहाँ पर दोपहर के तकरीबन 1 बज गए हैं, तो इसलिए आज मौसम भी अच्छा था, इनको कंडीशंस भी देखनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में इन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, इनको 1-2 दिन मिले हैं प्रैक्टिस के लिए और इन्होंने बगैर पिच देखे जो है वो मैच खेला है। पिच देखने भी मुझे जो राय बताते हैं ना कप्तान गए हैं ना टीम मैनेजमेंट में से कोई गया है, सिर्फ कैंटियाग पार्क जो दूसरा जो 2 से 3 माइल सफर मुसाफत पर है वहां पर एक पार्क में इन्होंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि स्टेडियम में उस दिन भी मैच चल रहा था, ये स्टेडियम में पिच का मुआयना नहीं कर सके, इसलिए कप्तान को चाहिए था कि आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर आपने बारबेक्यू पार्टी आपने अटेंड करनी थी उससे पहले आप एक पूरे मुल्क के कप्तान है, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, आप नासो क्रिकेट स्टेडियम में जाकर
अपने हेड कोच के साथ पिच का मुआयना करना चाहिए था, मुआयना करना चाहिए था। हाफिज साहब, ये इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है हमारी टीम में? मतलब वर्ल्ड कप खेलने गए हैं और वहां पर जाकर इस किस्म के मामला कि आजम खान बर्गर खा रहे हैं, टीम शॉपिंग कर रही है, पिक्चर्स ले रही है, पिच का मुआयना नहीं किया, क्या ये सूरत हाल मुनासिब है? अभी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान यूएसए गया और वहां पर आप मतलब किसी किस्म के कोई सीरियस कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं वहां पर कर रहे हैं? तो अब अगर वो जा रहे हैं शॉपिंग पे तो शॉपिंग उनका जाती मामला नहीं है, उनको घूमने फिरने का कोई हक नहीं है, उनको कोई घूमने फिरना उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, शॉपिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर वो बर्गर खाने जाता है तो क्या वो रोजा रख ले? तो मुझे पता है ना, हर बात का जवाब आप सार्कास्टिक देते जा रहे हैं। नहीं मीरा, मुझे बताएं कि अभी चंद दिन पहले ही ख्वाजा साहब ने कहा है ना कि वो मीट एंड ग्रीट उनका जाती मामला होता रहना चाहिए। तो अब अगर आप ये फरमा रही हैं कि खिलाड़ी के बर्गर खाने के भी ऊपर भी इतराज है, उसके बारबेक्यू पे जाने पे भी इतराज है, तो तीन दिन पहले ये भी बोला था उनका जाती मामला ने, मैंने तब ये भी बोला था, आपने मिस कोड किया, मैंने तब ये भी बोला था कि वो साथ परफॉर्मेंस भी दें। अगर परफॉर्मेंस ही नहीं सही है तो फिर वही कोड किया जो आपने कहा था। जी जी, आपने कहा था कि वो ठीक है, जाती मामला है, मैंने यही कहा जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, मैंने साथ में ये भी कहा था कि वो अगर परफॉर्मेंस दे इस वक्त अगर वो परफॉर्मेंस दे मैच जीते, क्या वो अमल ठीक था या नहीं था? आपने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। अब दूसरी ये बात है जिसका अभी अभी जिक्र हो रहा है, पिच का मुआयना करना है उन्होंने, तो इस वक्त जो मैच चल रहा है, ये क्या उसको कहते हैं, क्या उसका नाम है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच चल रहा है। पाकिस्तान कल वहां पर मैच खेला है इंडिया के साथ, उससे पहले पाकिस्तान ने इतने मैचेस खेले हैं, उसने इतने मैचेस वर्ल्ड कप के वहां पर हुए हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो वो सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान ने पिच का मुआयना किया नहीं है, आज कोई पिच उखाड़नी है उन्होंने नीचे से, कोई उसका मुआयना करना है? नहीं तो आप सब गए ही नहीं है मैच से पहले वहां पर कोई मुआयना करनी है, तो बता रहे हैं में और वो कल खेल लिया ना, 40 ओवर खेल लिए वहां पे, सारी पिचे देख ली हैं, जब उनको खेल के नहीं पता लगा तो पिच का मुआयना करके क्या पता लग जाना है? तो तब तो खेल रहे हैं ना, तब तो कंडीशंस बदल रही थी ना, पहली इनिंग्स हुई फिर दूसरी। बात यह है ये जो इररेलेवेंट चीजें होती है ना, इन्होंने सत्यानाश किया पाकिस्तान के क्रिकेट का, ठीक है, ये जो इररेलेवेंट चीजें हैं ना जो गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान के क्रिकेट में इस तरीके से फरोग पाई हैं, जिसे आंधी आती है ना, आंधी तो आंधी में आपको वो शॉपिंग बैग उड़ते जगह जगह दिखाई देते हैं, ये उसी तरीके से ये चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का सत्यानाश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने जो 4 साल से अपनी मीडिया पॉलिसी बनाई हुई ना डिजिटल के ऊपर, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट को का बेड़ा गर्क करने में अपना किरदार अदा किया, ठीक है, उसने पाकिस्तान के क्रिकेट के जो शायकीन क्रिकेट है ना उनको सिर्फ बताया नहीं 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 भाई, यही फैंस बस वो रो पड़ा, हो ये हंस पड़ा, हो ये पता नहीं इसको क्या हो गया। ओ भाई जान, आप क्या बात कर रहे हैं, लाखों लोगों के सामने आपने खेलना है, आप उनको बच्चों की तरह पेश कर रहे हैं, 25-25 साल के 30-30 साल के क्रिकेटर हो आप, उनके बारे में जो कॉन्टेंट देने से पहले ये ख्याल तो करें, तो जेहन साजी की गई है ना अपने क्रिकेटर। नहीं नहीं कादर साहब का टेक ना लें, नई बहस शुरू हो जाएगी। नहीं हो सकता है वो इत्तेफाक करें इस बात पर। नहीं नहीं वो इत्तेफाक भी करेंगे, उसमें से भी कोई नई चीज निकल आनी है। कादर बहस मत कीजिएगा, बस जवाब दे दें। नहीं नहीं हम बहस नहीं करते, मैं तो जवाब देता हूँ, अब तो गुस्सा कर जाते। ख्वाजा साहब मैं गुस्सा नहीं करता, आप मिस कोट कर रहे हैं। कोर्ट वाले से अभी देखे ख्वाजा साहब, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन जहां जहां पे देखे ये क्रिकेट चलती है ना, ये क्रिकेट चलती है, तो ये आपके दौरे चल रहे हैं दुनिया के मुल्कों में, अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी ना, तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है सबसे ज्यादा मुतासर उसने होना है, सबसे पहले पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, अगर ये मुल्कों अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाने के लिए जाते हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर किया जाता है, इसको अहमियत दी जाती है, अगर इसकी अहमियत कम होगी ना तो इसको कवर करने वालों की अहमियत भी कम होगी, ठीक है, इसलिए इसके सिस्टम में जो खराबी होगी ना, अगर उस सिस्टम की खराबी को निशानदेही करने को अगर आप समझेंगे ना कि गुस्सा हो रहा है,
तो आप समझे फिर हो रहा है, उसमें उसमें कोई बुरी बात नहीं है।